हेलो गाइज, प्रयागराज से मैं केके सिंह आज बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत टेंस के बारे में आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करेंगे। बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत टेंस का बहुत बड़ा स्कोप है। कोई चीज़ पढ़ना, लिखना, बोलना हम टेंस के माध्यम से सीख सकते हैं। कुछ अपरिचित स्टूडेंट्स, खासतौर से जो इंग्लिश से परिचित हैं, उनके लिए बेहतर साबित होगा यह वीडियो। और कुछ पढ़ना, लिखना, बोलना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा साधन होगा यहाँ से, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो। तो सबसे पहले देखेंगे टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस अगर मूल रूपों में देखा जाए तो हिंदी में इसे काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। तो टेंस को हम काल क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो उसमें जब टेंस का जिक्र किया जाता है, किसी भी घटना को घटित होने में किसी न किसी रूप से समय का उसमें प्रादुर्भाव हो जाता है, समय का आगमन हो जाता है। और उस समय के आगमन के साथ साथ समय चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से समय का निर्धारण कर लिया जाता है कुछ शब्दावलियों के माध्यम से। तो मूल रूप से जो शब्दावलियाँ समय को निर्धारित करती हैं वो है, था और गा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट में हम समझ सकते हैं इनके माध्यम से समय का निर्धारण हो जाता है। अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, था कह रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट टेंस है, गा कह रहे हैं तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस है। तो प्रारंभिक पहचान के आधार पर टेंस तीन प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। तो तीन प्रकार का टेंस, उसके चार चार भेद, इस प्रकार से कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। एक एक टेंस का हम अलग अलग जिक्र करेंगे। आज विशेष रूप से प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज की क्लास होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले पहले टेंस का विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को कैसे विभाजित किया गया है देखते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में, टेंस जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है, सबसे पहले इस चार्ट को आप लोग मेंशन करेंगे, चार्ट को बनाएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख रहे हैं जिस प्रकार से ये चार्ट में मेंशन किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। अब वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल मतलब जिस काल में हम लोग चल रहे हैं, जिस काल को वर्तमान में हमारे दिख रहा है, वर्तमान काल जो बीत गया हो भूतकाल, और जो आने वाला हो भविष्य काल। तीन प्रकार के तो टेंस हो गए, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीन प्रकार का टेंस है। हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल के नाम से अलग अलग रूपों में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस देखा जाए तो ये तीन चार प्रकार का, यानी टेंस का विभाजन अगर हम देखें तो टेंस के विभाजन पर बात करें तो टेंस के विभाजन को अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग रूपों में कैसे हम विभाजित करते हैं देखते हैं। तीन प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अलग अलग रूपों में इसको देखा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में भी चार प्रकार का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार तीन प्रकार के मूल टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों के चार चार भेद हो गए। तो चार चार भेद यानी चार चार प्रकार हो गया, यानी टेंस के प्रकार में प्रकार बन गया। तो चार चार प्रकार होने के कारण अगर टोटल हम टेंस की संख्या देखें तो 12 प्रकार का टेंस हो गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंस मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मूलतः तीन प्रकार के। आपसे पूछा जाता है टोटल या कुल या टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 12 प्रकार के आपको बताना है। अब एक एक टेंस के अलग अलग हम जिक्र करेंगे क्या होता है, अलग अलग टेंस के बारे में अलग अलग जिक्र किया जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले आज बात होगी प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के भी अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
और कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, कोई टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रॉपर मीनिंग अगर देखा जाए, यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं, प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान, और टेंस प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित के नाम से जाना जाता है। यानी इसको अगर हम पूरा नाम से हिंदी में इसका पूरा नामिंग क्लेचर करें तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान अनिश्चित काल, टेंस मतलब काल, वर्तमान अनिश्चित काल। अब हम कैसे पहचानें कि कोई टेंस वर्तमान अनिश्चित यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य में है मिल जाए, हूँ मिल जाए, हैं मिल जाए, यानी बिंदी लग करके मिले, तो वो उससे हम पहचान कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन उस प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि सिंपल प्रेजेंट है, इसका निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तभी होगा जब किसी भी टेंस यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में मुख्य क्रिया, जिसको लेक्जिकल वर्ब, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया के साथ अगर ता है, ती है, ते है, तू है, ती है आदि आता है। यानी इस प्रकार से अगर मेन वर्ब के साथ ता, ती, ते आता है, उसके साथ है, हूँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया कि सीता मधुर गीत गाती है। इसमें देखिए, सीता तो सब्जेक्ट हो गया, गाती है ये वर्ब है, इसको हम मुख्य क्रिया कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। हिंदी इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लेक्जिकल वर्ब भी कह सकते हैं, इसको दूसरे स्वरूपों में ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब भी अलग अलग ऑब्जेक्ट के आधार पर कह सकते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ आपको ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि यह कौन सा वर्ब है, अभी बेसिकली ये समझेंगे कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के अंत में जैसा कि पहचान बताया गया, उस पहचान के आधार पर अगर इस पर विचार किया जाए तो मेन वर्ब में बताया गया कि गाती है। तो पहचान में भी देखिए ती है मिला, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा एग्जांपल देखें, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलने में भी देखिए कि खेलते हैं, इसका मतलब वाक्य के अंत में क्रिया के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ ते है मिला। जब ते है मिला तो मुख्य क्रिया के साथ ते है मिला, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लक्षण बता रहा। इस प्रकार से और भी सेंटेंस हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए, कहा गया कि एक अलग से हम टेंस लेते हैं, जैसे कि तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। इसमें देखिए लास्ट में ते हो मिला, इसका मतलब है कि मुख्य क्रिया के साथ ताती ते यानी ते हो मिला, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला सेंटेंस देखें, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक सेंटेंस लिखा गया है, इसको हम एक ग्रुप में रख दे रहे हैं, इसको ग्रुप ए मान ले रहे हैं। ग्रुप ए में देखिए लिखा गया है कि कोयला काला होता है। अब कोयला काला होता है, कोयले के द्वारा ये खुद से नहीं काला किया जाता, खुद से नहीं काला होता है, बल्कि इसका एक नेचुरल एक्शन, नेचुरल लक्षण बताया जा रहा है। तो कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होने का भाव नहीं दे रहा है, इसका एक नेचुरल एक्शन बताया जा रहा है, नेचुरल फिनोमिना कह सकते हैं बताया जा रहा है कि कोयला काला होता है, कोयले के एक लक्षण बताया जा रहा है, इसके द्वारा होने वाली क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ भी देखिए ता है मिला, आदमी मरणशील होता है, आदमी के द्वारा ये खुद नहीं किया जाता, आदमी का एक लक्षण बताया जा रहा है कि आदमी ऐसा होता है, आदमी का कुछ लक्षण बताया जा रहा है, उसकी क्रिया नहीं बताई जा रही, उसके द्वारा होने वाला कार्य नहीं बताया जा रहा। तीसरे एग्जाम्पल में देखा जाए तो दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता में ही, होता में भी अगर देखें तो ता है मिला, लेकिन इसमें ये तीनों सेंटेंस जो ता, ता है के रूप में मिला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा लग रहा है, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, लेक्जिकल वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यानी मुख्य क्रिया इसमें ना दे करके इसमें लिंकिंग वर्ब लाया जा रहा है, अर्थात संयोजक क्रिया का आगमन है। संयोजक क्रिया होने के कारण इसमें मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है तो अगला स्टेप संयोजक क्रिया के बाद ये कॉम्प्लीमेंट की भूमिका निभा रहा है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तब कहा जाएगा जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब ना हो करके चाहे तो मेन वर्ब अकेला हो या फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। यहाँ इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोला जाएगा, ये गलती आप लोग नहीं करिएगा।
ध्यान देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स किताबों में लिखा है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके आधार पर इसको भी इंडेफिनिट मानकर बैठ जाएंगे। तो इसको इंडेफिनिट नहीं मानना है। कोई आपसे पूछता है तो आपको इसको केवल इतना बोलना है कि प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट में भी इसको सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी हम बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो इसका मापदंड है, वो ये है कि तातीते तो आए, लेकिन तातीते जब भी आए वो किसी न किसी मुख्य क्रिया के साथ आना चाहिए। वो अकेले नहीं, लिंकिंग वर्ब के साथ यानी संयोजक क्रिया के साथ ना होकर के वो मुख्य क्रिया के साथ आना चाहिए। इसमें देखते हैं तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बाकी ऊपर का सारा प्रेजेंट है, क्योंकि इसके सबके साथ मुख्य क्रिया दी जा रही है, अर्थात कर्ता के द्वारा कुछ करना या होना पाया जा रहा है। जब कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है तो वही इसका मतलब है, मेन वर्ब है। कर्ता के द्वारा हो नहीं रहा, उसका लक्षण केवल बताया जा रहा है, तो इसका मतलब वो मेन वर्ब नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम टेंस की पहचान करेंगे। अब टेंस की पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन सीखने से पहले टेंस की पहचान कर लेना ज़रूरी होता है, तो इसी आधार पर हम टेंस की पहचान करेंगे। अब आते हैं कि कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन यानी किस प्रकार से हम सेंटेंस को अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आइडेंटिफाई कर लिए यानी पहचान लिए, तो पहचानने के बाद इसके वर्ब पर आते हैं, इसके रूल पर आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है ध्यान देंगे। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब जिसको हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पर चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर। अब एक समस्या यहाँ आप लोगों के सामने आ सकती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी सबसे पहले आप लोगों ने टेंस पहचाना, टेंस कौन सा है सेंटेंस के माध्यम से। इसके बाद टेंस पहचानने के बाद फिर हमको ये ज़रूरी है ट्रांसलेशन सीखने के लिए कि उस टेंस में, उस सेंटेंस में जो दिया गया है, इसमें किसको हम, किस वर्ड को सब्जेक्ट कहें, किस वर्ड को वर्ब कहें, किस वर्ड को ऑब्जेक्ट कहें, किस वर्ड को कॉम्प्लीमेंट कहें, किस वर्ड को इसके अलावा जो शब्दावलियाँ होती हैं, एडवर्ब वगैरह जिसको अदर के रूप में हम मान सकते हैं, किसको कहें, तो इसको हम सब बताएंगे। तो ये तो हो गया मेन रूल। अब अगर इस पर विचार किया जाए तो कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, मेन रूल के बाद आ जाते हैं सीधा हम सेंटेंस पर। सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। देखिए अब एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे दिया गया है कि वह अपनी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता है, इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन करने से पहले पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, टेंस को आप पहचाने यानी टेंस की पहचान करें। टेंस की पहचान कैसे करेंगे, जो लक्षण बताया गया उस लक्षण के आधार पर हम टेंस को पहचान लेंगे। अब उस लक्षण के आधार पर टेंस को हमने पहचाना, देखते हैं वह अपनी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता है। वह अपनी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ना एक वर्ब है, मेन वर्ब है। इस वर्ब के अंत में तातीते मिला, इसका मतलब है कि यह तातीते मेन वर्ब के नाम से जाना जाएगा। ये मेन वर्ब हो गया, इसी को ग्रामर की भाषा में लेक्जिकल वर्ब भी हम कहते हैं। उसी लेक्जिकल का ही एक रूप होता है जिसको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जब उसके साथ ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ना मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखते हैं एक सेंटेंस है तातीते के आधार पर, जो सेंटेंस की पहचान, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई गई उसके आधार पर हमने ये पहचान लिया। अब क्या करेंगे, अब सेंटेंस में जैसे कि बताया गया ट्रांसलेशन के लिए जो रूल आपको बताया गया कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसके बाद फिर वर्ब, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सब हम करने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ध्यान देंगे इसके पहले की क्लास में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की क्लास में हम सारी चीज़ें बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत इसका वीडियो दे चुके हैं, इसकी पूरी क्लास दिए हैं, डिटेल दिए हैं। जो नए स्टूडेंट्स हों, जो नए सब्सक्राइबर हों, उसको उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ थोड़ी सी हम इसकी चर्चा करेंगे चूँकि ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले हमको इतनी चीज़ें इसी क्रम में पहचानना होगा। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद फिर वर्ब, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट,
इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। इतना हम सिस्टम से पहचानेंगे तब हम उसको रोल में रख पाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहा जाए तो इसका मतलब कर्ता। कर्ता मतलब होता है जो किसी काम को करता है, करने वाले को ही हम कर्ता या इंग्लिश में डूअर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो काम करने वाला वह है, इसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या डूअर है। इसके बाद फिर आते हैं वर्ब पर। सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसको हम वर्ब या क्रिया के नाम से जानते हैं। तो कर्ता के द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है, इस प्रकार से यह एक तरह से वर्ब, इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं जो कर्ता किसी काम को संचालित करता है, यानी कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है ये वर्ब या मेन वर्ब हो गया। अब जब हमको वर्ब या मेन वर्ब पता चल गया तब हम सीधा आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, कर्म का अर्थ होता है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमको ये देखना है कि क्रिया का प्रभाव कैसे किस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कैसे डाला जाता है, या कैसे हम क्रिया का प्रभाव का निरीक्षण करते हैं, पता करते हैं। तो क्रिया का प्रभाव जानने के लिए जो वर्ब दिया गया हो इसी वर्ब में हम दो प्रश्न अपने मन में कर लेंगे। हमेशा जान लीजिए, पहला प्रश्न क्या, दूसरा प्रश्न किसे। पहला प्रश्न क्या, दूसरा प्रश्न किसे, ये किसे है भाई, ध्यान दीजिएगा। इससे अगर कोई आंसर हमको प्राप्त होता है सेंटेंस में तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में आंसर नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। देखते हैं, वह पढ़ता है, पहला प्रश्न क्या पढ़ता है, आंसर मिला अपनी पुस्तक, ये उत्तर हमको मिला। इसका मतलब कि क्रिया का प्रभाव, चूँकि क्रिया में हमने क्वेश्चन किया तो क्रिया से हमको ये उत्तर मिला, इसका मतलब क्रिया का प्रभाव इसी शब्द पर पड़ा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और देखते हैं, कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट दिया होता है, किसे पढ़ता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब रूल में क्या बताया गया, सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वह, वर्ब पढ़ना की इंग्लिश होता है रीड, इसमें यस क्यों लगाया गया अभी बताएंगे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पर आते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया अपनी किताब, इसके बाद फिर अन्य चीज़ों को लेंगे डेली। ध्यान देंगे हम इसके पहले कि थोड़ा सा यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं जो जिसको ना मालूम हो कि कैसे हम क्रिया में यानी वर्ब में यस या यस का प्रयोग कर दिए, यानी वर्ब में कैसे यस या यस लगा दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सिंगुलर नाउन हो, एक वचन की संज्ञा हो, या ही सी इट हो, ही सी इट या सिंगुलर नाउन, तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। यानी यस या यस कब लगाएंगे, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही सी, सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट आए, इसके बाद फिर ही सी इट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो क्रिया में यस या यस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन हो या आई वी यू दे हो तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जहाँ पर हम यस या यस लगाते हैं या जहाँ पर यस या यस लगाने की बात होती है वहाँ पर यस या यस हम कैसे लगाएंगे, प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने कि कहाँ पर हम यस लगाएं, कहाँ पर यस लगाएं। तो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि जहाँ पर सुनने में अच्छा लग रहा वहाँ यस लगा दिए, जहाँ अटपटा लग रहा वहाँ यस लगा दिए। तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से तुक्के पर काम करते हैं, तो तुक्के पर आपको काम नहीं करना है, इसका भी एक अपना कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखेंगे, जब किसी वर्ब का अंतिम लेटर, ध्यान देंगे, किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर अगर सी एच यस एस एच ओ यक्स, इसमें से कुछ भी अंतिम लेटर मिलता है, यदि हमको एस या एस लगाना होता है तो ई एस लगाएंगे, और इसके अलावा अगर कुछ लेटर मिलता है तो वहाँ पर केवल एस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि वह जाता है तो लिख दिया गया ही गोज। ही देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, गो लास्ट में मिला ओ, इसका मतलब ई एस का प्रयोग करेंगे। यही अगर कहा गया कि वह खाता है तो ही ईट्स हम लिख देते हैं, ही ईट्स। अब ईट में देखिए लास्ट में टी है, यानी इसमें से कोई लेटर नहीं मिल रहा, जब इसमें से कोई लेटर नहीं मिल रहा तो केवल एस का प्रयोग कर दिया गया, यानी ई एस नहीं लगाया गया, ही ईट्स कर दिया गया। तो इस तरह से देखेंगे जब किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर जो दिया गया है, खासतौर से सी एच यस
एस एच ओ या एक्स होगा। इसमें से अगर अंतिम लेटर कुछ भी मिलेगा तो सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन की उपस्थिति में वर्ब में ई एस लगाएंगे। अगर अंतिम लेटर इसमें से कुछ नहीं होगा यानी सी एस नहीं होगा, एस एस नहीं होगा, ओ नहीं होगा, एक्स नहीं होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन होने पर या ही सी इट आने पर क्रिया में यानी वर्ब में मेन वर्ब में केवल एस का प्रयोग करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पर देखें, वह अपनी किताब पढ़ता है, इसमें देखिए वह हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट और पढ़ता है हुआ वर्ब, अपनी किताब हो गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्रतिदिन हुआ अदर। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, इसमें दो प्रश्न करके अभी हम इसका जिक्र किए थे क्या और किसे से, इससे अगर कोई उत्तर मिलता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उत्तर मिला अपनी किताब, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ही रीड्स हिज बुक। जब सेंटेंस में ही दिया है तो अपना के इंग्लिश के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर आई दिया हो तो अपना के इंग्लिश के लिए माई का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बी दिया हो तो अपना इंग्लिश के लिए आवर का प्रयोग करेंगे, सी दिया हो तो हर का प्रयोग करेंगे। अभी लास्ट में हम इसका एक चार्ट दे देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना के लिए कैसे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में हमने देखा। अब थोड़ा सा और कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे कहा गया कि वह अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, वह अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, हमको इसका ट्रांसलेशन करना है कि वह सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पहचानिए, पढ़ते हैं हो गया वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट पता करिए क्या और किसे के माध्यम से, वह अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उत्तर मिला अपनी पुस्तक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, प्रतिदिन ये हो गया अदर। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का साथ देता है उसी को कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो वह एक इंग्लिश क्या होगी, दे, पढ़ना की इंग्लिश होगा रीड, अपनी, दे के साथ अपना के लिए देयर का प्रयोग, देयर बुक, इसके बाद डेली। ध्यान देंगे यहाँ पर यस या यस नहीं लगाया गया, क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि ही सी इट नहीं है, आई बी यू दे हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ऐसी स्थिति में क्रिया में वर्ब में यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए दे के साथ यहाँ यस या यस नहीं लगाया गया। वह स्कूल जाता है, वह सेंटेंस का सब्जेक्ट, जाता है हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट पता करिए क्या जाता है, किसे जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा, स्कूल हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी अदर कह सकते हैं, तो वह की इंग्लिश होगी ही, जाना की इंग्लिश होता है गो, इसके बाद स्कूल के साथ स्कूल को इंग्लिश डायरेक्ट स्कूल लिख सकते हैं। यहाँ पर टू का प्रयोग इसलिए किया गया है जब किसी वर्ब में स्थान परिवर्तनशील गतिशीलता हो तो उस वर्ब को टू के साथ रखना बेहतर होता है। यहाँ आना जाना खाना पीना, यहाँ स्थान परिवर्तनशील गतिशीलता जाने में पाई जा रही है इसलिए टू का प्रयोग किया गया। जैसे यही होता है वो अपनी किताब पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक, तब टू नहीं लगाते क्योंकि पढ़ने में स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है लेकिन जाने में स्थान का बदलाव हो जा रहा है इसलिए गतिशीलता होने पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर टू लगाया गया। इस तरह से अलग अलग रूपों में इसका ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। अब कुछ उदाहरण और भी दिया गया, इसके बारे में आप लोग देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे सपोज करिए कहा गया कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई हो गया मैं अपना पाठ याद करता हूँ। देखेंगे सेंटेंस का मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, याद करना वर्ब हो गया, अपना पाठ ऑब्जेक्ट, आई लर्न माई लेसन, आई सिंग, आई के साथ ऐसे ही एस लगता नहीं, रूल में बताया गया। सीता प्रतिदिन एक मधुर गीत गाती है, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट और गाती है वर्ब, क्या गाती है मधुर गीत, प्रतिदिन डेली अदर हो गया। इस तरीके से आप लोग ट्रांसलेशन के रूल को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करेंगे और अलग अलग रूपों में कोई भी एग्जांपल अगर लेंगे तो इस पर आपका ट्रांसलेशन होने लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का केवल अफर्मेटिव बताया गया, इसके आगे मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसके बारे में अगली क्लास में मैं जिक्र करूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा। यहाँ इसके बाद अगर देखें तो कुछ थोड़ा सा चार्ट में और कुछ चीज़ें मेंशन है, इसको आप लोग
अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा आपकी सुविधा के लिए। इसके अगली क्लास में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये है, देखिए, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये पजेसिव इसको कहते हैं, सेल्फ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। ये आपकी सुविधा के लिए अलग अलग वर्ड मीनिंग दे दी गई है, जैसे आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वह, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह लड़की के लिए, दे मीन्स वह, इट मीन्स या, माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, देयर मीन्स उनका। ये अलग अलग मीनिंग, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में, धन्यवाद।